लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी की ये यात्रा अब देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के चंदौली में प्रवेश कर गई है। यहाँ कार्यकर्ताओं ने राहुल का जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही राहुल ने यूपी में चुनाव बिगुल फूंक दिया। वहीं यात्रा के यूपी में पहुंचते ही राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां बीजेपी पर राहुल गांधी जमकर हमलावर दिखे। देश में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी पर किसानों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। कहा, ये तो सिर्फ अरबपतियों के लिए काम कर रही है। अरबपतियों के लिए काम किया जा रहा है, किसानों की जमीन छीनी जा रही है, गरीबों की जमीन छीनी जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मगर इसके बारे में टीवी में आपको कभी नहीं दिखेगा। कभी टीवी में आपने देखा है कोई पत्रकार कह रहा है कि भैया देश में महंगाई बढ़ती जा रही है, कभी देखा? इसी के साथ महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा भी राहुल गांधी ने उठाया। राहुल ने आगे कहा कि इस यात्रा के जरिए हम आप लोगों की आवाज उठा रहे हैं, आपको न्याय दिलाना चाहते हैं, इसलिए देश की जनता हमारा साथ दे, तभी हम आपका हक दिला पाएंगे। लक्ष्य कि जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन और देश की जनता एक साथ खड़ी हो जाए। अंत में भाइयों और बहनों, दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक विचारधारा भाई को भाई से लड़ाती है और आपके जेब में से धन निकालकर दो तीन अरबपतियों को पकड़ा देती है, और दूसरी विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है, और जो आपका हक है, आपका जो धन है, वो आपके हवाले कर देती है। यही राजनीतिक लड़ाई हिंदुस्तान में हो रही है। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर मोदी सरकार को आड़े हाथों भी लिया। कुल मिलाकर राहुल गांधी आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं, और यूपी में खुद की पार्टी को मजबूत करना राहुल गांधी का मिशन है, क्योंकि सपा के साथ भी कांग्रेस का कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसी के साथ अब राहुल गांधी की यात्रा शनिवार को वाराणसी में दिखाई देगी, जहां यूपी के कई दिग्गजों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। भारत की बात रोहित सिंह सावल के साथ सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।